चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से सेक्टर 26 की ग्रेन मार्केट में पार्किंग टेंडर लागू किए जाने पर व्यापारियों की ओर से विरोध जताया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में एक तो उनकी हालत पहले से ही खराब है, बावजूद इसके अब प्रशासन ग्रेन मार्केट में पार्किंग फीस लगाकर करोड़ों कमाने की फिराक में है। मार्केट के व्यापारी संजय गुप्ता ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से ग्रेन मार्केट की पार्किंग का टेंडर पास कर दिया गया है, जिसमें पार्किंग की फीस को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जो हमारे व्यापार के लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगी। एजेंसी ने भी चंडीगढ़ के अंदर ऑल ओवर द चंडीगढ़ जो पार्किंग रेट है वो 10 रुपये है। तो ग्रीन मार्केट कोई शहर से बाहर नहीं है, शहर का हिस्सा है। तो हमने गवर्नर साहब को, हमारे ग्रीन मार्केट के प्रधान श्री रामकरण गुप्ता जी ने ज्ञापन दिया है गवर्नर साहब को, पहले भी दिया था, और एडमिनिस्ट्रेटर को भी हमने टेंडर होने से पहले उनको रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप ग्रीन मार्केट के साथ बैठ के इस टेंडर की नीतियों को निकालें, बट किसी ने हमारी परवाह नहीं करी। तो इसके विरोध में हमारा ये कहना है कि टेंडर को डेफर किया जाए। सभी व्यापारियों के साथ यहाँ पर जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रेडी वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्पो वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पर जीप वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, अभी उन सबसे पार्किंग चार्ज की जाएगी, और जो कस्टमर है उससे भी पार्किंग चार्ज की जाएगी। और कोविड का टाइम है, व्यापार पहले ही 40-50% रह गया है, टोटल बिजनेसेस बंद है। हमारा ये कहना है कि कोविड जब तक है, वैक्सीनेशन नहीं आती, तब तक इसको डेफर किया जाए। मार्केट में जितनी पार्किंग फीस लगाई जा रही है उससे लोग यहां पर आना बंद कर देंगे। अगर मार्केट में लोग नहीं आएंगे तो उनका काम काज कैसे चलेगा। इस मौके पर चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामबीर सिंह भट्टी ने कहा कि चंडीगढ़ बीजेपी इन व्यापारियों की मांगों का समर्थन करती है। व्यापारियों ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन में अफसरशाही हावी हो चुकी है और उन्हीं के इशारों पर इस तरह लोगों का शोषण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता है, हम उस पार्टी के नुमाइंदे हैं और हम इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए, ये कहने के लिए कि आंदोलन व्यापारियों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपना इसको आंदोलन मानती है, हम इसलिए समर्थन करने के लिए आए। आप धक्का करोगे, धक्का नहीं होने देने के, ये कहने के लिए आए इनको। आप अपना जो फैसला है, ये 2 करोड़ 2 करोड़ 65 लाख रुपए कैसे कवर कर लेंगे। वो यहाँ पर आएगा, कोई कस्टमर आएगा सामान खरीदने के लिए आएगा, कैसा सामान खरीद लेगा जिसके साथ आप 1 घंटे के बाद 20 रुपये हैं, दूसरे घंटे के 40 रुपये हैं, 3 घंटा आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल रहेगी तो फिर 60 रुपये 80 रुपये सारा दिन रहेगी, आप तो 200 रुपये तो आपके पार्किंग के हो जाएंगे। चंडीगढ़ से वॉइस आजकल के लिए आकृति वर्मा की रिपोर्ट।